बरेली थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने 25/26 जनवरी को रात 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या और लूटपाट का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बिथरी चैनपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उडला जागीर में हुए बुजुर्ग महिला के कत्ल और लूट में लिप्त दोनों अपराधी उरला जागीर मोड़ पर खड़े हैं। थाना प्रभारी माई फोर्स उसी स्थान पर पहुंचे, दोनों अभियुक्तों को धर दबोचा। जब उनकी जामा तलाशी ली गई तो उनके पास से मृतका का मोबाइल भी बरामद किया गया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम इमरान उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद समी थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत बताया तो दूसरे का नाम फैजुल पुत्र महबूब आलम निवासी प्रीत विहार कॉलोनी कोतवाली रुद्रपुर बताया। इमरान ने बताया कि हम दोनों मामा भांजे हैं और घटना की प्लानिंग के बाद 24 जनवरी 2023 को उड़ला जागीर में आकर रैली, 25 जनवरी की रात में मृतका अन्नू की हत्या गला घूंट कर कर दी और उसके कानों के टॉप्स जेवर लूट लिए थे और मोबाइल साथ ले गए और घर का ताला लगा दिया था। ये घटना इमरान ने अपने बहनोई महबूब निवासी रुद्रपुर से बदला लेने के लिए की थी। थाना भीतरी चैनपुर में 29 जनवरी 2023 को एक वृद्ध बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पोस्टमार्टम से पता लगा कि ये शव 2 से 3 दिन पुराना है। इसमें दो अभियुक्तों जिनका नाम इमरान और फैजुल है, इनको गिरफ्तार किया गया। इमरान निवासी पीलीभीत का है और फैजुल जो है वो कोतवाली रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड का निवासी है। इन दोनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला की 25 और 26 की रात्रि को हत्या की थी। जो हत्या का इनका मकसद था वो एक तो मृतक महिला के गहने लूटने का था और दूसरा इनमें से जो व्यक्ति है इमरान अभियुक्त है उसका एक मकसद ये था कि अपने बहनोई को इस महिला की हत्या के बाद उसमें फंसा दे। जब महिला की हत्या हुई तो उसके शव के पास से एक फ़ोन बरामद हुआ था, उस फ़ोन में से सिम गायब थी और जो उसकी सिम थी वो इमरान नाम के अभियुक्त ने अपने पास रख ली थी और पीलीभीत जाकर अपने बहन के फोन में उसने वो सिम डाल दी थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।